पानीपत के मॉडल टाउन में गुरुद्वारा श्री गुरु रामदास सिंह सभा की 21 सदस्यीय संगत और श्री गुरु रामदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चेयरमैन पद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गुरुद्वारे में सभा की संगत ने बैठक कर स्कूल चेयरमैन और सहयोगी 5 सदस्यीय कमेटी को बर्खास्त करते हुए नए चेयरमैन के रूप में सरदार चरणजीत सिंह के नाम का ऐलान कर दिया। वहीं अवतार सिंह बाला पर आरोप लगाया है कि चेयरमैन रहते स्कूल का माहौल खराब कर रहे थे। अब पद से हटाए जाने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। गुरु घर दे विच साडा काम हैगा गुरु दी गोलक ते गरीब दा मूंह। गुरु दी गोलक आंदी है गरीबां दी सेवा करनी चाहिए साडा धर्म कहिंदा है। साडे स्कूल दे विच पिछली कमेटी ने कुछ बच्चों की फीसां माफ़ कीतियां सन या घट कीतियां सन, वो इन्होंने आके काफ़ी सारिया कैंसल करतियां। तो साढ़े कहने तो बाद साड़ी सुनते नहीं सन, असं फिर पिछे हट गए क्योंकि प्रधान साहब जड़े ने वो ही सब कुछ करे। तो अच्छा नहीं, माहौल बहुत ज़्यादा, प्रिंसीपल नूं तंग करता, टीचरां नूं कढ़ता, मतलब रोज़ नवी शिकायतें मिलनी, संगत हो गई साढ़े खिलाफ़ सारी, मजबूर हो गए। फिर तम्मू साहब ने फैसला संगत पूरी कमेटी बुला के वो लिया, तो उस तो बाद उन्होंने वो भी नहीं मनिया, कढ़ दिता उन्होंने। फिर भी अज ऑफिस बैठे हुए हैं तो थ्रैट करते हैं, सामने थ्रैट करते हैं भाई सब नूं वेख लांगा, सब लोग देख लेंगे, ध्यान ना रहा जाए। जैसे सब लोग जानते हैं, सारी संगत को पता है, जिहड़ी फीसां सन और उस तो ज़्यादा ऑब्जेक्शन सी कि जिहड़े गरीब बच्चे फीसां माफ़ की हुई सन उन्होंने उन्होंने एकदम बता दिता, तो जितों यह मामला स्टार्ट होया वो एक गलत चीज़ है। अज कितने लोगों ने मीटिंग बुलाई, तुसीं ये फैसला ले, कितने लोग मीटिंग मौजूद हैं? मीटिंग साड़ी पूरी कमेटी है प्रधान जी के नाल, तो असी बहुमत नाल इन्हां नाल चल रहे। अज जो प्रधान साहब जी अध्यक्षता मीटिंग हुई है, इन्हें सारी कमेटी ही उन्होंने नाल हैगी है। पिछले दिन जो भी हालात पैदा हुए, अवतार सिंह वाला जिन्होंने चेयरमैन बनाया गया से, मगर उन्होंने अध्यक्षता दे विच स्कूल का कोई भी कार्य इन्ह की बगैर मर्जी तो होंदा रहा। शुरू शुरू तो छोटिया मोटिया गल्लां सन भी चलो मोदी आदमी ने अपने आप डिसीजन लै रहे हैं, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, मगर उसके बावजूद जदों कुछ ऐसा गल्लां आईया जिन्हां दे विच प्रधान जी की सहमति बहुत जरूरी है मगर उन्हें नहीं लिती गई, अपनी मन मर्जी करते रहे, उसके बावजूद भी प्रधान जी ने जदों जदों भी उन्होंने उन्होंने गल्लों बारे चेताया गया मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिता। इस वास्ते प्रधान जी ने फैसला लिया कि असं उन्होंने सेवा मुक्त कर रहे हैं, तो नवे प्रधान जी अपना चरणजीत सिंह जी ने आप प्रधान अपने चेचे। मेरा नाम चरणजीत सिंह, साढ़े प्रधान जी ने श्री हरमचरण सिंह तम्मू जी, तो सानू पूरा विश्वास है इन्हों की अंदर छत्र छाया, इन्हों की लीडरशिप असी सारे कट्ठे मिलकर चलोंगे तो कामयाब होवोंगे। असी स्कूल भी जो हालात उन्होंने खराब हुए ने तो असी पूरा डैमेज कंट्रोल करांगे, तो इन्हों की कायम तगड़ी लीडरशिप असी नाल नूं लैके इन्हों की छत्र छाया पूरे तगड़े कामयाब हो गए। असी एक मीटिंग बुलाई गई है जिदे च अवतार सिंह वाला जी नूं पहले सेवा मुक्त किया गया सी, वह सेवा मुक्त होने तो बावजूद ही अपने ऑफिस बैठे ने, नवा चेयरमैन उन्होंने अपने अपनी सर्वसम्मति नाल मैंबर सर्वसम्मति नाल बनाया गया, जिदे च उन्होंने नाम चरणजीत सिंह जी साढ़े नाल खड़े ने, उन्हें हूँ अपना वो काम करे। उन्होंने अवतार सिंह वाला जी ने गुजारिश की गई सी भी ऑफिस खाली कर दियो, ऑफिस बैठे ने। वहीं गुरुद्वारा श्री गुरु राम सिंह सभा के प्रधान सरदार हरचरण सिंह थम्मू ने कहा कि स्कूल का माहौल खराब करने पर चेयरमैन अवतार सिंह बाला सहित 5 सदस्यीय कमेटी के विक्रमजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह और गगनदीप सिंह को 21 सदस्यीय संगत ने सर्वसम्मति से पद से हटाने का फैसला किया। अब चेयरमैन ऑफिस पर कब्जा कर रखा है। ऐसे है जी, मैंने इस गुरुद्वारा साहिब में प्रधान के तौर पर 9-6 को मैंने मेरे को बनाया गया था। प्रीतम सिंह सचदेवा जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने मेरे को प्रधान बनाया था 9-6-23 को। उसके बाद हमने 15 तारीख के बाद लगभग अपनी टीम बनाई, तो टीम में हमने स्कूल के, क्योंकि स्कूल भी जो है ये गुरुद्वारा साहिब के अंडर है, तो हमने जो मेंबर बनाए 21 मेंबर बनाए, उसमें 5 मेंबर जो हैं वो स्कूल में डाले गए, अवतार सिंह वाला, भूपिंदर सिंह, विक्रमजीत सिंह, गगनदीप सिंह और रजिंदर सिंह, ये गुरुद्वार स्कूल का काम संभालते थे। और वाला साहब ने किसी को, 3 मेंबरों को नहीं पूछा गया कभी भी, जो काम भूपिंदर सिंह और वाला साहब ही करते थे, मनमानी करते थे, टीचरों को निकाल दिया,
टीचरों को नवे रख लिया, पुराने को निकाल दिया, ड्राइवरों को निकाल दिया, मनमानी तौर से फीस बच्चों की बढ़ा दी गई। बड़े लोग परेशान हुए क्योंकि संस्था का स्कूल है, हर आदमी जो बहुत बढ़िया स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते वो इस स्कूल में बच्चे भेजते थे भी जो हमारी हेल्प हो जाती है, फीस कम है कोई फीस माफ़ हो जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों को परेशान करते रहे, किसी से सलाह नहीं करनी, जो भी काम किया बगैर पूछे किया किसी को। तो हमें शहर से जो शिकायतें आनी शुरू हुई उनकी कार्यशैली को देखते हुए हमने कमेटी ने फैसला किया कि उनको सेवा मुक्त करके दूसरे आदमी को चार्ज दिया जाए किसी को। तो हमने वो मेरा ख्याल 18-9 को हमने वाला साहब को, अवतार सिंह वाला को चेयरमैन के पद से सेवा मुक्त कर दिया और वो जो पूरी स्कूल की कमेटी थी उसको बंद कर दिया। उसके बाद हमने उनको लेटर भी दिया, मेल भी दी, पर उन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा। और हमें रोज़ रोज़ रात को धमकियां मिलती थी भी आप अब संभल के आना, मेरे बेटे को उन्होंने धमकी दी, अपने बाप को संभाल लेना, अपने बाप को बचा लेना। अब ऐसे करके काफ़ी बार धमकी मिली, पर आज तो हद हो गई। जब उन्होंने, मैं सवेरे गुरुद्वारे आया, अपना उनका ड्राइवर नीचे खड़ा हुआ था, उसने फ़ोन किया भी दमू साहब नीचे आ रहे हैं, तो मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो बाला साहब भी गाड़ी के पास पहुंच गया। उन्होंने एक मेरे को आगे पर्सनल तौर पे ये कहा, अगर इज्जत बचानी है तो आज इस्तीफ़ा दे दे, नहीं तो हम जाएंगे तेरे, हम तेरे को भी साथ लेके जाएंगे। तो मैंने कहा चल देखा जाएगा। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया, गाड़ी स्टार्ट करी, इतने में उन्होंने गाड़ी का मेरा दरवाज़ा खोल दिया और फिर कहने लगे उसको धमकी मत समझियो, अब तकड़ा हो गया ये। तो मैं इन धमकियों से परेशान हूँ, मेरे बच्चों को और मेरे को जान माल का खतरा है। और हमने पीछे 29 तारीख को नए चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कर दी थी, तो जो उनको आज कारोबार सौंपा है, हमने कारोबार सौंपा है स्कूल का आज उनको, पर अभी उधर इतनी दहशत पैदा की हुई है कि हम स्कूल में घुस नहीं सकते। गनमैन साथ में रखा हुआ उन्होंने, टीचरें अंडर प्रेशर हैं, बच्चे अंडर प्रेशर हैं, कोई वहाँ घुसता नहीं है, इतना माहौल ख़राब कर रखा है। हम उनको प्रेस के माध्यम से ये उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सेवा मुक्त हो चुके हैं, अपनी प्यार के साथ वो अपना जो स्कूल का ऑफिसर खाली करके जाएं, ताकि स्कूल का कार्य सुचारू ढंग से चल सके और नए चेयरमैन जो है अब काम संभालें। उधर दूसरा पक्ष भी आज सामने आया है, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। इतराज़ की इन्हों मीटिंग बुलाना चाहिए सी, इन्हों किसी ने पूछे ही नहीं भाई थानू असी रखना है क्या करना है, सीधी टर्मीनेशन लैटर देती है, इन्हों की बेजती करने वाला काम होया। तो हम की करोगे तुसी? अच्छे तो बैठे संगत जनरल हाउस की मीटिंग होएगी, उस तमू साहब सद के जवाब मंगया जाएगा, जो जवाब देंगे गलती मनणगे तो ठीक है, नहीं तो प्रधान पद तो हटाया जाएगा उन्होंने। ये जड़ा है जनरल हाउस की मीटिंग होनी चाहिए, उस डिसाइड होएगा, ये मसला सॉर्ट आउट हो सकता है। ये प्रधान रिजाइन करे, नवा जनरल हाउस की मीटिंग नवा प्रधान आवे, तो उस तो बाद नवी कमेटियां बनियां, ता ही ये मसला सॉर्ट आउट हो सकता है। वैसे इन सॉर्ट आउट करन दा जड़ा है इनका हल निकल नहीं पाएगा, जोड़ी दिक्कत आएगी। एलीगेशन लगे असी बोलिया कि असी मैंबर हाँ थोड़े, तो साड़ी कमेटी के एलीगेशन आ रहे हैं, तो सानू इन वेरीफाई करना चाहिए जिंदा देना है वो संस्था का, उन्होंने चीटिंग क्यों की गई? क्योंकि चावला साहब इन्हें खास ने, चावला साहब तो उन्होंने कुछ कह नहीं सकते, इस करके इन्होंने जायरस हो गई भी तुम क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हो। ये ऑपरेशन करे तो ठीक है, लेकिन असी करिए तो क्यों गुरु घर डाका बांध दिए। फिलहाल अगर समय रहते इस मामले को शांत नहीं किया गया तो ये मामला तूल पकड़ सकता है। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।